नमस्कार दोस्तों, रेखा दास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो शेयर करूँगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल होगा। तो आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कई बार होते हैं हमारे घर में सुबह चाय बनाने के लिए दूध ख़त्म हो जाते हैं और एकदम सुबह सुबह भागना मार्केट किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में मैं हमेशा घर में रखती हूँ ये पाउडर मिल्क। तो ये आपके सुबह चाय बना सकते हैं, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उसे भी बना के दे सकते हैं। तो ये टिप्स आप एक बार फॉलो करके देखिएगा, आपका सुबह का चाय कभी भी मिस नहीं होगा। तो चलिए इसे बनाने के लिए क्या करना है वो देख लेते हैं। कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं जिसमें आपको दूध बॉयल करना हो। आपको जितना दूध चाहिए उतना आप इसमें पानी डालिए। मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी लिया है। अच्छे से पानी को पहले गर्म कर लेंगे। अब 1.5 गिलास पानी में अपने मर्जी से यहाँ पे पाउडर मिल्क ऐड कर सकते हैं। जितना गाढ़ा या पतला दूध चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे आप मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो पानी हल्का जब गर्म हो जाए हम यहाँ पे डालेंगे पाउडर मिल्क। मैं 3 चम्मच भर के डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम हाई करके दूध में बॉयल आने देंगे। आप यहाँ पे 2 चम्मच या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको दूध गाढ़ा चाहिए। तो दूध को पहले हम उबाल लेंगे। घर में छोटे बच्चे होते हैं, कई बार होते हैं रात को हमारा दूध ख़त्म हो जाते हैं, तो ये मिल्क पाउडर आपके काफ़ी सारे काम को आसान कर देता है। मेरे पास तो हमेशा ये पाउडर मिल्क होता ही है। दूध हमारा उबल चुके हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर देंगे और 1-1.5 मिनट इसे अच्छे से और बॉयल होने देंगे। दो मिनट मैंने दूध को अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। मैंने एक ग्लास ले लिया है, ग्लास में हम दूध डालेंगे। 1 गिलास मैंने दूध डाल लिया है। अब मैं इसका चाय बना के दिखाती हूँ। जैसे आप नॉर्मली चाय बनाते हो ठीक वैसे ही आपको बनाना है। जितना मीठा पसंद करते हैं उतना ही चीनी डालिए। बस चाय पत्ती डालेंगे और चाय को अच्छे से हम बॉयल होने देंगे। और आप देख सकते हैं चाय का कलर भी कितना सुंदर आया है। ऐसा नहीं है पाउडर दूध है तो इसका कलर में कोई फ़र्क आएगा, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। तो चाय अच्छे से हमारा उबल गया है, अब हम इसे कप में डाल लेंगे। तो चाय भी तैयार है और दूध भी। तो फ्रेंड्स, आज का ये टिप्स कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगला जो हमारा टिप्स है, आप इसे टिप्स नहीं एक रेसिपी बोल सकते हो। तो हम कई बार होते हैं उबले हुए आलू से चाट बनाते हैं तो उसमें इतना टेस्ट नहीं आ पाते हैं। तो आज हम बनाएंगे रोस्टेड आलू, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चाय हमारा पहले ही बन चुका है तो अब हम बनाएंगे आलू चाट। तो उसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पे मीडियम साइज़ के आलू। आपके पास छोटे साइज़ के आलू हो तो आप वो भी ले सकते हैं, उससे टेस्ट और अच्छा आते हैं। तो आलू को हम पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो एक बाउल में हम पानी लेंगे और अच्छे से इसे वॉश करेंगे। अच्छे से धो लिया है, इसे एक बार और साफ पानी से हम धो लेंगे। मैं आगे से टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो में छोटे छोटे रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो आज ये मेरा पहला रेसिपी है।
मैंने बाउल में पानी चेंज कर लिया है, एक बार और साफ पानी से धो लूँगी। अब हम हल्का एक टावल से आलू को थोड़ा सा पोंछ लेंगे। बस एक्स्ट्रा जो पानी है उसे हमें सोक करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर। आलू को पोंछ लेने के बाद हम एक फोक ले लेंगे और इसे कुछ ही दूरी दूरी पे इस तरीके से छेद कर देंगे। 6-7 आपको इस तरीके से कर लेना है जिससे आलू हमारा जल्दी पक जाए। तो इसी तरीके से सभी आलू में हम फोक से छेद कर लेंगे। एक कढ़ाई में हमने ले लिया है नमक। ये मेरा पहले से यूज़ किया हुआ नमक है। कभी भी केक वगैरह आप बेक करते हो तो उस नमक को आप फेंकिएगा नहीं, तो किसी भी डब्बे में आप भर के रख सकते हैं। तो ये मेरा पहले से यूज़ किया हुआ है। आपके पास यूज़ किया हुआ है तो उसी से ही बनाइएगा, नहीं तो नया नमक से आप बना सकते हैं और उसे फिर से यूज़ होने के बाद डब्बे में भर के स्टोर कर सकते हैं। फिर कभी केक वगैरह या रोस्टेड आलू बनाना है तो आप उसी नमक को यूज़ कर सकते हैं। तो नमक को हम पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। नमक हमारा अच्छे से गर्म हो चुके हैं, अब हम इसमें आलू डाल लेंगे। अच्छे से नमक में मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रख के कढ़ाई को ढक देंगे 5 मिनट के लिए। बीच में आप खोल के एक बार स्पैचुला से आलू को पलट लीजिएगा। 7-8 मिनट हो गए लो फ्लेम में आलू को ढक के पकाते हुए। अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। अभी आलू में काफ़ी सारे नमक चिपका हुआ है, इसे हम अच्छे से 3-4 मिनट और खोल के पकाएंगे तो ये जो नमक एक्स्ट्रा लगे हैं ये आराम से ये झड़ जाएगा। तो अब हम कढ़ाई को ढकेंगे नहीं, खोल के हम लो फ्लेम में 3-4 मिनट या जब तक आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक बीच बीच में चलाते हुए हम पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं आलू आराम से हमारा कट रहा है लेकिन ये पूरी तरीके से सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो इसे हम 3-4 मिनट और लो फ्लेम में बीच बीच में चलाते हुए इसे भूनेंगे। आलू को खोल के लो फ्लेम में 3-4 मिनट और पका लिया है। आलू हमारा अच्छे से पक गया है और आप देख सकते हैं आलू का कलर कितना बढ़िया आए हैं। और एक चाकू की मदद से हम चेक करेंगे आलू हमारा पके कि नहीं, और आप देख सकते हैं आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। बहुत ही आराम से चाकू अंदर तक जा रहा है। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और आलू को हम निकाल के एक प्लेट में रखेंगे। आलू को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। हल्का हम इस तरीके से इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा नमक है उसे निकाल लेंगे। अगर आपको छिलके के साथ खाना पसंद ना हो तो आप छिलका उतार भी सकते हैं, लेकिन ये रोस्टेड आलू छिलके के साथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इसका छिलका नहीं उतार रही हूँ। तो नमक जो एक्स्ट्रा था उसे मैंने झाड़ लिया है। अब हम आलू को काटेंगे। आलू को आप अपने पसंद के अनुसार काट सकते हैं। थोड़ा गर्म है अभी। और आप देख सकते हैं आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो सभी आलू को मैं इसी तरीके से काट लूँगी। आलू को काट लेने के बाद डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ प्याज। प्याज डालना ऑप्शनल है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच
हम डालेंगे चाट मसाला। अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में डालेंगे हम नींबू का रस। आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। नमक हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पहले से हमारा आलू नमकीन है। तो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो तैयार है हमारा चटपटा रोस्टेड आलू। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरे रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नए ब्लॉग के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।